अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं शहरी से। तो शहरी का टाइम है 3:30 बज रहे हैं और मैं शहरी की तैयारी कर रही हूँ और मैं रोटियां बना रही हूँ और एक साइड पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है और साथ में मैं बना रही हूँ चाय। तो रोटियां मेरी बन चुकी हैं और चाय भी मैंने बनने रख दी है, दूध भी मेरा बॉईल हो चुका है। चाय नहीं, एक्चुअली मैं ये कॉफ़ी बना रही हूँ और साथ ही मैं सब्ज़ी गर्म करने के लिए भी रख देती हूँ। पहले यहाँ से मैं गैस को क्लीन करूँगी, ये सब यहाँ से समेटूँगी और गैस को अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। ये आटा जो बचा हुआ है ये मैंने थोड़ा सा रख दिया है ताकि सुबह में मैं अपने बेटे को बना के रोटियाँ दे दूँ, और ये मैंने सब्ज़ी को गर्म करने के लिए रख दिया है और गैस को और गैस के साइड से टॉप काउंटर को मैं सब अच्छी तरह से क्लीन कर दूंगी। और कल थी मेरे बेटे की छुट्टी तो मैंने लंच भी नहीं बनाया था, लंच बॉक्स भी मैंने रेडी नहीं किया था इसलिए। और जैसे कि मैंने 3 से 4 दिन व्लॉग नहीं बनाया था तो मैं अपने घर गई थी मायके, तो मैंने वहाँ के कुछ क्लिप्स लिए थे, कुछ वीडियो बनाई थी। 3 से 4 दिन मैं वहाँ रुक कर आई हूँ और मैंने वहाँ पे वीडियो जो भी थोड़ी थोड़ी शूट की थी और मैं इसके बाद में आपके साथ शेयर करूँगी कुछ वहाँ की वीडियोस, कुछ क्लिप्स। तो ये कॉफ़ी हो गई है रेडी और दूध को मैंने एक साइड पर रख दिया है और सब्ज़ी को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और दस्तरखान में बिछा कर आ गई हूँ। और उसके बाद में मैं सब्ज़ी मैंने गर्म कर ली है और रोटियाँ भी मैंने बना ली थी। तो अब हम शहरी करने लगे हैं और इसके बाद मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी अपने यहाँ की। और मेरे हस्बैंड गए हुए थे उस दिन साइड पर और 5 बजे के करीब में वो शाम में आए थे, जल्दी आ गए थे थोड़ा। और उसके बाद हम निकले थे घर के लिए, यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए हम रुके थे कुछ देर के लिए और सडनली हमें निकलना पड़ा था घर के लिए। मॉर्निंग से हमें आइडिया नहीं था कि हमें घर भी जाना है। और जहाँ पर यहाँ पहले कभी खेत और बाग वगैरह हुआ करते थे, यहाँ पर दूर दूर तक अब फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पर खेत वगैरह ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं और यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बन गई हैं ज़्यादातर। ये यहाँ पर सभी खेत वगैरह हुआ करते थे और दूसरी साइड से अभी भी ग्रीनरी है काफ़ी और फैक्ट्रीज़ वगैरह कम है एक साइड पर और एक ही साइड पर फैक्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा लगी हुई हैं। और इससे पहले ही मैं घर आई थी जब, तो गेहूं वगैरह कटे नहीं थे बट अभी गेहूं की फसल कट रही थी और कुछ कट भी चुकी थी। और ये देखिए पिछली बार ये गेहूं वगैरह ब्राउन हो रखे थे, पूरे कटी नहीं थी इसकी फसल और ये सभी गेहूं कटे हुए रखे हुए हैं। और ज़्यादातर गेहूं की फसल कट चुकी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब रमज़ानों में तो और भी ज़्यादा गर्मी हो गई है। और अभी भी हम घर से काफ़ी दूर थे और रास्ते में काफ़ी सारे गांव पड़ते हैं जिनमें काफ़ी सारी ग्रीनरी दिखाई देती है और अब तो पहले से काफ़ी कम है हरियाली यहाँ पर क्योंकि खेत वगैरह कट रहे हैं। और यहाँ पर भी ये बाईपास बना है बड़ा सा, काफ़ी सारे रोड यहाँ से निकले हैं
और यहाँ पर भी सारे खेत हुआ करते थे, बाग वगैरह हुआ करते थे आम वगैरह के। और यहाँ पर भी प्लॉटिंग हो रही है काफ़ी अच्छी, तो यहाँ से सारी ग्रीनरी ख़त्म हो रही है। खेतों को बागों को काट कर काफ़ी सारी फैक्ट्रीज, स्कूल, कॉलेजेस और पेट्रोल पंप वगैरह ये सब लगाए गए हैं, तो काफ़ी सारी हरियाली ग्रीनरी ख़त्म हो गई है। अब पहले से बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। और ये हम पहुंच गए हैं अपने घर के पास। यहाँ से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं घर की। और यहाँ से शूट करने के बाद में मैंने 2-3 दिन तक मैं वहाँ पर रुकी हूँ, उसके बाद में मैंने ज़्यादा कोई शूट नहीं किया था। और यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुके थे, और ये जस्ट सामने ही हमारा घर है, लेफ्ट वाला, जहाँ पर मलिक कार श्रृंगार लिखा हुआ है। और मलिक कार श्रृंगार मेरे भाई की शॉप है, और इसके फर्स्ट फ्लोर पर हम रहते हैं, ये हमारा घर है। और ये मेन रोड पर ही हमारा घर है। और अब हम आ गए हैं घर में, और इसके बाद से मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। और ये 1-2 दिन बाद का मैंने क्लिप लिया है इफ्तार का। इफ्तार से कुछ देर पहले मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, और ये 2-3 दिन बाद मैंने वीडियो शूट की थी थोड़ी सी। और उसके बाद मैंने रात में ये थोड़ी सी वीडियो ली है वहाँ की। ये सेकंड फ्लोर से क्लिप लिया है, और ये मॉर्निंग का वहाँ का व्यू है जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार था। और उसके बाद में 2 से 3 दिन बाद हम आने लगे थे घर के लिए वापस। और ये हम दूसरी साइड से, दूसरे वाले रोड से हम आ रहे हैं। पहले हम दूसरी साइड से आ रहे थे, बट वो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हम ये आ रहे हैं हापुड़ बाईपास के साइड से, जिधर यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा था, बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ का। और ये था कि हम शहरी के बाद सोए ही नहीं थे, हम सुबह में ही यहाँ आए थे, 6 बजे हम चल दिए थे घर से। और 3 से 4 दिन मैं वहाँ पर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड ने वहाँ से डेली अप डाउन किया है काम के लिए। वो मॉर्निंग में अपनी साइट पर आ जाते थे और शाम में वापस से घर आ जाते थे। तो अब मैंने शहरी का आपके साथ रूटीन शेयर किया था शुरू में, और उसके बाद में आज मेरे बेटे की छुट्टी थी तो मैं उसे खाना खिला रही हूँ, नाश्ता उसका हो गया था। और उसके बाद में मैंने कुछ टॉवल वगैरह धोने में डाले थे, तो मैंने न्यू जो धुले हुए टॉवल थे वो निकाले हैं। और ये मेरे बेटे का पंचिंग बैग, और यहाँ पर मैंने इसके और रैकेट मैंने यहाँ पर हैंग करके रखे हैं, और ताकि वो इजीली यहाँ से ले ले तब भी उसे खेलना हो, तो मैंने एक साइड पर करके रखे हैं। और ये दूसरा वाला टॉवल है जो वॉश बेसिन के पास से मैंने एक चेंज किया है, ये भी मैंने डाल दिया है। और उसके बाद में मैंने नहा लिया है, कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, सिर्फ मेरे कपड़े थे जो मैंने वॉश किए हैं अभी, तो इन्हें भी मैं मशीन में ड्रायर में डाल दूंगी ड्रायर करने के लिए, तो इसमें ये ड्राई हो जाएंगे कपड़े और जल्दी से सूख जाएंगे। जैसे कि मैं ज़्यादातर कपड़े यहीं रूम में सुखाती हूँ, तो पानी वगैरह नहीं गिरेगा रूम में, और तो इसलिए मैं जल्दी से ड्रायर में डाल के इन्हें सुखा लूँगी, और बाथरूम को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और मेरे बच्चे भी ट्यूशन के लिए आ चुके थे, और बाथरूम मेरा हो गया है क्लीन अच्छे से, और बाथरूम को मैं सुखा के रखती हूँ। और ये हो गए हैं ड्राई कपड़े, तो स्विच मैं ऑफ़ कर लूँगी,
उसके बाद मैं निकाल लूँगी अपने कपड़े और इनको मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। और मेरे ट्यूशन के बच्चे हो गए थे आने शुरू, और मैंने बहुत जल्दी जल्दी से सारे काम किए हैं, बट फिर भी सारे काम वगैरह करते करते टाइम हो ही जाता है। और मैंने झाड़ू और पोछा भी कर लिया था, घर को मैंने क्लीन भी कर लिया था। और ये कपड़े मेरे लास्ट रह गए थे, और मैंने ये टॉवल हटा दिया है क्योंकि ये सूख चुका था। और मैंने कपड़े डाल दिए हैं, और ये यहाँ पर कपड़े मैंने डाले हैं, और मशीन को भी मैंने बंद कर दिया है। और ये देखिए मेरे ट्यूशन के बच्चे हो गए हैं शुरू आने, और ये रात को शूट किया है मैंने सीधा। और ये मेरे हस्बैंड ब्राउन पेपर और ट्रांसपेरेंट वाली पन्नी कर रहे हैं कट, क्योंकि मैं कल कवर करूँगी इंशाल्लाह इन सभी को। और अगर आज की आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। Wing, dun 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 dun